हेलो एवरीवन। तो थोड़ी देर पहले DSSB ने अभी जो PRT पोस्ट कोड था 47/21 के सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स थे वो दिखा दिए थे, जिसे हम DSSB की साइट पर लॉगिन करके अभी भी देख सकते हैं। उसमें हमें ये नहीं पता था कट ऑफ कितने पे गई है, बट उसमें ये लिखा आ रहा था कि कितने जो बच्चे हैं वो शॉर्टलिस्टेड हैं, और मतलब कौन कौन बच्चा शॉर्टलिस्टेड है और कौन नहीं। मेरे जो टोटल मार्क्स है 148 है, और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो इस तरीके से मैं जो हूँ क्वालिफाई नहीं करती इस एग्ज़ाम को और मैं शॉर्टलिस्टेड नहीं हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गई है। जो EWS कैटेगरी है उसकी 143, जनरल की 157, OBC की 150, SC की 145, ST की 127 एंड PWS की 64। अगर हम अब तक की DSSB की सारी जो PRT की वैकेंसीज अब तक निकली हैं उनसे कंपैरिजन करें, तो ये जो कट ऑफ है अब तक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ है। इतनी हाई कट ऑफ PRT की इससे पहले कभी नहीं गई। इससे पहले लास्ट कट ऑफ जो हाई थी वो 125 थी, वो भी PRT की और DOE की। और जो ये वैकेंसी है ये भी असिस्टेंट टीचर की यानी DOE की है। अभी जो MCD का पोस्ट कोड है 42/21, उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, बट अब ये कट ऑफ आ गई है जैसे आप देख सकते हो। और इसका इतनी कट ऑफ आई जाने का रीज़न यही है कि जो ये वैकेंसी है ना बहुत ज़्यादा कम है। सेकेंड थिंग, जो पेपर है ना वो आसान आया था, बहुत आसान तो नहीं बट पेपर पहले के कंपेरिजन में पेपर बहुत आसान था, इस वजह से ये जो कट ऑफ है इतनी ज़्यादा हाई गई है। और बाकी वैकेंसीज भी बहुत कम थी, और अब फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 31 अगस्त तक, एटलीस्ट 47/21 का आ जाएगा। और अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो 42/21 पोस्ट कोड बचा है वो जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी 15 अगस्त, इसके बाद तुरंत ही वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट, मे बी उसमें सिलेक्शन हो जाए, नहीं होता तो कोई बात नहीं। और जिन भी बच्चों का कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोग अपने मार्क्स बताओ कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप किस कैटेगरी से हो।